आज हम बात करेंगे बीवर बिल्डर के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बीवर बिल्डर के अबाउट। बेसिकली ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक बेसिक्स ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इन बिल्डर्स के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह की वेबसाइट को डील करते हुए। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और आज हम एक ऐसा थीम चूज़ करेंगे जो कि बीवर बिल्डर के ऊपर बेस करता हो। तो ऑस्ट्रा के अंदर भी डीवी बिल्डर की, बीवर बिल्डर की बहुत सारी जो है टेम्पलेट्स मौजूद हैं, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो हम चलते हैं थीम्स के अंदर, और फ्री का हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ऑस्ट्रा। इसको मैं जस्ट अगेन एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास अगेन ऑप्शन आ गया गेट स्टार्टेड का। सिंपल मैंने गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया। गेट स्टार्टेड पर जैसे क्लिक हो गया तो सिंपल हम आ चुके हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे हमसे वो पूछेगा कि आपने कौन सा बिल्डर यूज़ करना है। तो लास्ट टाइम हम सेलेक्ट करते थे एलिमेंटर, आपकी बार हम बीवर बिल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। आई डोंट नो व्हाई कि ये ब्लैंक क्यों शो हो रहा है। तो मैं चलता हूँ वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर, और वहाँ से हम दोबारा से आते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। तो इसको मैं अगर रीलोड कर लूँ एक बार, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास थीम्स स्टार्टर टेम्पलेट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन बिल्ड योर वेबसाइट, और यहाँ पे देखें ये बीवर बिल्डर आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे सामने आ चुके हैं। लेट्स से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सेम वही काम, इसको भी मैं स्किप एंड कंटिन्यू कर दूँगा और बिल्ड माई वेबसाइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये इम्पोर्ट होने में, और ये इम्पोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम जो प्री बिल्ड जो हमारी टेम्पलेट होगी उसको एडिट करेंगे वाया बीवर बिल्डर, और देखेंगे कि किस तरह से वो एडिट हो रहा है, उसका इंटरफेस किस तरह से। एलिमेंटर का इंटरफेस आप देख चुके हैं, डीवी का इंटरफेस आप देख चुके हैं, और डब्ल्यू पी बेकरी का आप जो है इंटरफेस देख चुके हैं। आपको पता है कि किस तरह से उनको यूज़ करते हुए आप वेबसाइट को एडिट करेंगे, राइट। तो लास्ट ये बिल्डर है हमारा। इसके बाद आप दुनिया का कोई भी बिल्डर आ जाए, कोई भी CMS जो बिल्डर बेस हो, उनको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे, राइट। बस इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी होंगी। हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और देखते हैं कि किस तरह से हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो चुकी है इम्पोर्ट करते हुए उस डिज़ाइन को। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारे डिज़ाइन आ चुके हैं, और यहाँ पे ऑप्शन एलिमेंटर की जगह बीवर बिल्डर आ चुका है। तो हमने सिंपल क्लिक किया बीवर बिल्डर के ऊपर, एडिट विद बीवर बिल्डर, और नो थैंक्स कर देते हैं हम इसको। और यहाँ पे देखिए सेम वही ऑप्शन, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जनरल, सेपरेटर, टाइपोग्राफी, और यहाँ पे कुछ लिमिटेड से ऑप्शन हैं, इनको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने सिंपल नाम लिख दिया यहाँ पे, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। लेट्स से मुझे इसके अबाउट इसके अंदर दो कॉलम चाहिए, कॉलम सेटिंग मूव कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ, तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, इस तरह से आ गया, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अगेन यहाँ पे मेरे पास सेटिंग्स आ गई, इनकी जो है स्टाइल, और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई। अलाइनमेंट में इसको लेफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट को मैं राइट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अगेन उसी तरह से आ चुका है, मैं इस टेक्स्ट को रिपीट नहीं करना चाह रहा, तो इसमें टेक्स्ट वाले आइकन को डिलीट कर दूंगा, ओके। लेकिन ये फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं जिनको आप एडजस्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और हमारा जो ओरिजिनल स्टाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन डिलीट दिस, और इसको मैं अगेन जो है वो सेंटर के अंदर ले आता हूँ, ओके। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को एडिट कर पाएंगे। हर चीज़ की अलग से सेटिंग होगी, डायरेक्टली उसी चीज़ की सेटिंग आएगी, तो इस तरह से आप इसको एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से बीवर बिल्डर काम करता है। बेसिक्स ओवरव्यू मैंने आपको दिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये मॉड्यूल यहाँ तक एंड हो चुका है, जिसके अंदर हमने तमाम बिल्डर्स के अबाउट देखा, हमने देखा किस तरह से हम स्क्रैच से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, हमने फिर ये भी देखा कि किस तरह से आप प्री बिल्ड टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा
कि आप स्क्रैच से मत डिज़ाइन करें अगर आप बिल्डर हैं, सॉरी अगर आप बिगिनर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने मनपसंद के एडिटर के अंदर, चाहे वो एलिमेंटर है, चाहे वो डीवी है या कोई और है, तो उसके अंदर उन प्री बिल्ड टेम्पलेट्स को आप इंपोर्ट करेंगे और सिंपल एडिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स और सिंपल क्लाइंट को दे देंगे। तो इतना सा काम है, क्लाइंट को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आपने स्क्रैच से बनाई है टेम्पलेट यूज़ की है, एट द एंड आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होना चाहिए चाहे आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करें या स्क्रैच से डिज़ाइन करें। तो एट द एंड जो उसने कही है, जिस तरह से उसने आपसे वेबसाइट डिमांड की है, आपने एग्जैक्टली उसी तरह का डिज़ाइन चूज़ किया और उसको डिज़ाइन करके दी है, तो क्लाइंट विल बी हैप्पी एंड ऑब्वियसली ही विल पे यू। तो आई होप आपको समझ आई होगी इस मॉड्यूल के अंदर सारी चीज़ों की। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट या कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, हेल्प चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बिना किसी इशू के, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मज़ीद मैं पर्सनल कम्युनिटी भी बनाऊँगा जिसका लिंक मैं साथ अटैच कर दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हेल्प की जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।